खबर हनुमानगढ़ से देख रहे हैं आप, जहां अवधि पार यानी एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक पीने से एक युवक की तबीयत खराब हो गई है। युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की है। मौके पर भारी मात्रा में एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक और अन्य खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया गया है। ये प्रतिष्ठान एक कांग्रेस नेता का बताया जा रहा है। वहीं सीएमएचओ ने संचालक पर कार्रवाई करने और कंपनी को नोटिस जारी करने की भी बात कही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। कल हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि बच्चे का कोई कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गया था, तो हमने संबंधित उस दुकान से सैंपल तो ले लिए थे कोल्ड ड्रिंक के, लेकिन पुनः जो माल जहाँ से सप्लाई हो रहा था, जैसे ये रिद्धेश्वर स्वीट से सप्लाई हुआ था, इसकी भी हमें वापस शिकायत आई है, कंट्रोल रूम पे शिकायत आई है, और पुनः और भी हमें दो चार जगह कंप्लेंट आई कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में एक्सपायर्ड जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और सामान पड़ा हुआ है। हमारी FSO की टीम और हम सभी यहाँ पर आए हैं, तो है काफ़ी मात्रा में एक्सपायर्ड सामान पड़ा हुआ है, तो जो ये कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं वही हमें रिसिप्ट देते हुए कंपनी की वो रिसिप्ट देंगे और बाकी सामान हम यहाँ नष्ट करवाएंगे। तो सर क्या ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे शादी और बड़े जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर ये एक्सपायरी चीज़ें ये चेक नहीं की जाती और खुली चीज़ें खुले उसमें बेचते हैं। इसके लिए जो हम वेंडर्स हैं उसके हम कलेक्टर साहब ने और हमारे जो भी प्रभारी सचिव आए थे उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि जो वेंडर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाए, तो वो हम उनकी वेंडर्स की भी ट्रेनिंग करवाएंगे और इस तरीके की अगर ये एक्टिविटी है तो इन पर कठोर कार्रवाई करेंगे। और आम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ खा पी रहे हैं तो एक्सपायरी डेट वगैरह देख के यूज़ करें। आपने निरीक्षण किया क्या क्या व्यवस्था मिली? इसमें मुख्यतः तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी मात्रा में है और जो कोल्ड ड्रिंक्स की डेट है वो निकल चुकी है, और उसके अलावा कुछ छोटा मोटा खाने का सामान है जैसे बिस्किट वगैरह वो भी एक्सपायर्ड है, तो उनको भी हम नष्ट करवाएंगे। तो इसका कोई जुर्माने का प्रावधान भी? जुर्माना भी है और हम नोटिस भी जारी करेंगे, और हो सकता है अगर ज़्यादा बड़ी कार्रवाई है तो वो भी देखेंगे। एक बार पहले सामान चेक कर लें, हमारे ऑफिसों की टीम लगी हुई है। सॉस वगैरह का सैंपल भी लेंगे? बिल्कुल, एक सॉस का भी हमने सॉस की भी कंप्लेंट आई थी कि इसमें सॉस भी खराब है, तो सॉस का भी सैंपल लिया जाएगा। कंपनी को भी नोटिस जाएगा सर? ये देख लेते हैं कि कंपनी अगर पर्टिकुलर कंपनी है इनके है क्यों एक्सपायरी मेडिसिन एक्सपायरी ये जो एक्सपायर होने के बाद भी कंपनी क्यों नहीं सामान उठा रही है, इसके लिए हम कंपनी को भी नोटिस जारी करवाएंगे। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।